नमस्कार, मैं इंदु सोनाली, आप देख रहे हैं धुन म्यूजिक यूट्यूब चैनल। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। हरी काहे नहीं खुफनवा करत रनिया, चली गईलू हमारा से दूर। कि काहे नहीं खुफनवा करत रनिया, चली गईलू हमारा से दूर। तो लड़की बोल रही है, अरे कैसे फोन करी याराऊ, अब हतरू मोबाइल दिहले धूर। कैसे फोन करी याराऊ, हतरू मोबाइल दिहले धूर। आपका नाम क्या है? बिरजेश सिंह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? डेरी ऑनसन रोहतास। अच्छा, धुन म्यूजिक पटना के बारे में आपको कैसे पता चला और यहाँ पे आप कैसे आ गए? पता चला लोग नेट पर देख करके नंबर निकाले, तो ये पता चला कि वहाँ पर इंटरव्यू होता है, तो लोग आए वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए। अच्छा, तो आप वहाँ डेहरी ऑन सोन से सिर्फ इंटरव्यू देने के लिए पटना आ गए? हाँ। क्या बात है। अच्छा, अभी क्या करते हैं आप? अभी यही सिंगिंग का काम कर रहे हैं, उसके अलावा तैयारी भी कर रहे हैं। किस चीज की तैयारी करते हैं? रेलवे वेलवे का। अच्छा, रेलवे का भी तैयारी करते हैं, तो डेहरी एंड सोन में ही? हाँ, डेहरी एंड सोन। अच्छा, सिंगिंग में कब से आप इंटरेस्टेड हैं? कितने साल से? लमसम में 3 साल हो गया। मतलब 3 साल से संगीत में आप मतलब इसमें इंक्लूड हुए हैं। अच्छा, तो आप क्लास करते हैं म्यूजिक का? हाँ, करते हैं। अच्छा, तो फिर दोनों पैरेलल काम कर लेते हैं, संगीत को भी, संगीत के लिए भी टाइम निकल जाता है, पढ़ाई के लिए भी। तो कैसे दोनों को मैनेज करते हैं? यही हफ्ता में 3 दिन क्लास चलता है संगीत का। अच्छा, तो 3 दिन उसके लिए टाइम देते हैं। तो रियाज कब करते हैं? रियाज भोर में, सुबह सुबह में करते हैं। तो दिक्कतें नहीं आती है पढ़ाई के साथ साथ संगीत को करना, क्योंकि दोनों विद्या बहुत कठिन है? कठिन है यार, हल्का फुल्का आती है, लेकिन फिर भी मेहनत तो करना पड़ता है ना। अच्छा, फैमिली क्या सपोर्ट है? फैमिली सपोर्ट करते हैं? फैमिली का सपोर्ट, मेरे बड़ा भाई है, वही बोलते हैं कि पढ़ो, हम अपना सोचते हैं कि करियर इसी में बनाए, ताकि आगे कुछ, जब हम लोग कलाकारी मैंने सीख रहे हैं लाइन से, तो सोच रहे हैं कि आगे इसी में कदम बढ़ाया जाए लाइफ में, इसी करियर, इसी म्यूजिक में ही करियर बनाना। अच्छा, तो आप किन को आदर्श मानते हैं भोजपुरी में? अभी तो जब से हम मैंने यहाँ पर अभी सिंगिंग का काम कर रहे हैं, तब से मेरा यही राइटर जी शिवम जयकर जी है। अच्छा, वो भी मेरे, जब से एल्बम निकाला तब से अभी तक मेरा गाना वही देते हैं। अच्छा, तो आप भोजपुर में किस स्टार, किस सिंगर को सब अपना आइडियल मानते हैं, जिसको देख के आपको लगता है कि नहीं, इनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है? पवन सिंह जी है। अच्छा, पवन सिंह जी के आप मतलब उनको फॉलो करते हैं? अच्छा, उनकी गायकी आपको अच्छी लगती है? अच्छी लगती है। उनका कोई गाना आपको कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? अच्छा गाना लगता है, ये वाला था कि भगवान बड़ी फुर्सत से हमरा के बनौले बाड़े, कि तोहरे खातिर दुनिया में हमरा के भेजौले बाड़े, तोहरे खातिर दुनिया में हमरा के भेजौले बाड़े, भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े। अच्छा, भोजपुरी में अभी एक ट्रेड चला हुआ है कि लोग नए नए सिंगर हैं, जो नए नए कलाकार हैं, वो चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी हिट हो जाएं, मतलब वो आए और तुरंत हिट कर जाएं, चाहे उसके लिए उनको अश्लील गाना पड़े या फिर कुछ भी, जो भी अलग गाने को मिले वो गा के हिट होना चाहता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नहीं सर, हम तो ऐसा नहीं सोचते, हम तो सोचते हैं कि बस सीढ़ी बाई सीढ़ी मजबूती बनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मतलब एक, मतलब टाइम देना चाहिए म्यूजिक, देना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस जो है, ऑडियंस को आप जो परोसेंगे वो तो देखेगा ही, लेकिन बहिष्कार भी ऑडियंस करती है गलत चीज का। तो मतलब आपका मानना है कि आगे बढ़ने का ये शॉर्टकट तरीका गलत है? गलत है। मतलब आगे लॉन्ग टर्म आपको बनना है, लंबा घोड़े का रेस बनना है, तो आपको टाइम देना होगा, देना पड़ेगा म्यूजिक के लिए। नहीं, बहुत अच्छी सोच है, और आप पवन सिंह जी को फॉलो करते हैं तो बिल्कुल वो भी यही चीज और इसी बात पे अटल रहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए क्वालिटी की जरूरत होता है। और ये बहुत खुशी हुई। अच्छा, भोजपुरी में आप जिस मुकाम पे जाना चाहते हैं, उस मुकाम को जाने तक आपको बधाएं तो बहुत सारी आती होंगी? आती है।
तो कैसे सामना करते हैं, कभी फैमिली से, कभी मनी प्रॉब्लम होता होगा, कभी पढ़ाई को लेकर टाइमिंग कैसे करते हैं, इन सबको कैसे मैनेज कर पाते हैं? सर वही मैनेज धीरे धीरे कर लेते हैं, कभी मनी का प्रॉब्लम होता है तो स्टेज प्रोग्राम करके मैनेज करते हैं। अच्छा, स्टेज शो करते हैं? हाँ, करते हैं। अच्छा, आपने सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में ज्यादा स्टेज शो किया है? अभी हम लोग तो जास्ती यही है, मैंने डेहरी ऑनसन में भी, आगे ये राजपुर हो गया, अकोड़ी गोला हो गया, इधर मैंने ससरम भी हो गया। अच्छा, स्टेज शो आप जब भी करते होंगे, स्टेज शो करने जाते होंगे तो आप अपनी पूरी यूनिट और अपनी टीम के साथ जाते होंगे, तो पब्लिक का क्या डिमांड होता है, उनका क्या ऐसा होता है डिमांड, कैसा कैसा वो गाना सुनना चाहते हैं स्टेज पे? सर यही कि मैंने जैसे आजकल गाना चल रहा है डुएट जस्ती मांग होता है, प्लस में जो कंपटीशन का माहौल होता है लेडीज जेंट्स का। अच्छा अच्छा, तो मतलब पहले से ज्यादा अब स्टेज का रूप मतलब चेंज हो गया, अब एंजॉय करते हैं स्टेज करके, मतलब एंजॉय आपको मतलब फील होता है कि उन्हें पहले से ज्यादा मजा आता है स्टेज करने में, मतलब ऑडियंस पूरा मतलब ध्यान पूर्वक देखते होंगे। देखते हैं लोग। अच्छा, तो काफी भीड़ होता होगा? हाँ, भीड़ होता है। तो आपसे कैसा वो गाना डिमांड करते होंगे कि हाँ मुझे ये गाना आप सुनाइए? हाँ, जैसा मैंने मार्केट में चल रहा है, लोग बोलते हैं कि ऐसा चाहिए गाना। अच्छा, तो आप सबसे पहले जो सबसे अभी तक जितना भी स्टेज किए, सबसे ज्यादा जो गाना एक ही हर स्टेज पे गाते होंगे, कौन सा गाना आपका होता होगा? गाना यही जास्ती अभी हम लोग तो जैसे ये चल रहा है अभी, प्यार में तुहरा पिटाइल बानी घर से, प्यार में तुहरा पिटाइल बानी घर से, मिलत नहीं खी बाबू जी के डर से, कि गिर गईनी हम तो सबका नजर से, गिर गईनी हम तो सबका नजर से, नहीं मिलत बाबू जी के डर से। अच्छा, आप स्टेज करते हैं और गायकी भी, एल्बम भी करते हैं आप, तो दोनों एक अलग अलग अपने अपने जोन का चीज है, स्टेज एक अलग चीज है और स्टूडियो रिकॉर्डिंग अलग चीज है। जैसे कि जैसे सीखने के लिए गाना अगर हो तो पवन सिंह को फॉलो करिए जैसे आप करते हैं, और स्टेज होता है जो स्टेज एक अलग टाइप का एक समा बांधना होता है, जैसे खेसारी लाल हो गए और प्रमोद प्रेमी हो गए, बहुत सारे ऐसे लगा रहे हैं, गोलू राजा हो गए जो स्टेज बहुत ही अच्छे करते हैं, विशाल गगन हो गए, तो आप स्टेज में आप किन को फॉलो करते हैं कि हाँ इनके जैसा मुझे स्टेज शो करना है, स्टेज पैसे पब्लिक को डिमांड पूरा करना है? खेसारी लाल यादव, मतलब खेसारी लाल यादव को आप फॉलो करते हैं, उनका मतलब स्टेज करने का तरीका आपको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा, खेसारी लाल यादव को आप कितने दिन से जानते हैं, कितने साल से उनको फॉलो कर रहे हैं? सर जब से हम लोग तभी मैंने इधर स्टेज प्रोग्राम करा तब से तो उन्हीं के गाना हम लोग जाते हैं स्टेज प्रोग्राम के लिए, देखते हैं कैसे डांस करते हैं, कैसे गाते हैं। अच्छा, तो उनका आपको एक हर हर एक मोमेंट उनको आपको अच्छा लगता है और उनके जैसा आप चाहते हैं कि ऐसा हो, मतलब उनमें वो स्टेज का आप सारा गुण आप, सारा गुण है। अच्छा, और गायकी में पवन जी को आप फॉलो करते हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम ज्यादा चाहेंगे कि दर्शकों के लिए ऐसा प्यारा गीत जो आप हमेशा गुनगुनाते हो, आपके दिल के करीब हो, ऐसा गीत जो आप अपने लिए गाते होंगे। अभी हमेशा सर यही तो अभी चल रहा है लगन वाला दहेज प्रथा का जो है। अच्छा अच्छा, वही अभी रिकॉर्डिंग भी करवाने जा रहे हैं हम लोग। अच्छा अच्छा, बिल्कुल आप गाइए। हरि काहे पापा आइला मन उदास करी, हमके ना बताव तारा हो, काहे पापा आइला मन उदास करी, हमके ना बताव तारा हो, गमछा से पूछत यही ला डोरा वा बेटी से कुछ छुपाव तारा हो, गमछा से पूछत अहिला लोरा वा बेटी से कुछ छुपाव तारा हो। क्या बात है, ऐसा ही गीत समाज को चाहिए, ऐसा ही गीत जो संदेश भरा होता है, जो ज़्यादा टिकापन होता है गाना, और ऐसा गाना आप गाते हैं, अच्छा सोच रखते हैं और अच्छा लगा हमें कि आप ऐसा गाना गाना चाहते हैं। अच्छा, आप मान लीजिए आपको जो भी दर्शक देख रहे हैं, आप इतना अच्छा गाना गा रहे, इतनी अच्छी आवाज़ है आपकी, अगर आपका वो गाना सुनना चाहे तो यूट्यूब पे क्या सर्च करेंगे तो आपका गाना मिलेगा? हम चाहेंगे दर्शकों को आप बता दें। ब्रजेश सिंह। अच्छा, ब्रजेश सिंह भोजपुरी सॉन्ग है, जो भी लिखेंगे तो उनको मतलब आपका गाना उनको अवेलेबल हो जाएगा। अभी तक आपने कितना गाना रिकॉर्ड किया है? लमसम यही होगा 20-25 एल्बम आ गया अभी तक।
20-25 एल्बम कर लिए आपने, 20-25 एल्बम में सबसे ज्यादा कौन सा आपका गाना आपको नाम? अभी सबसे ज्यादा ये बोलम का आया था, डुएट सॉन्ग था। अच्छा, वो गाना आपको मार्केट में सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में बजा आपका गाना? जस्ते वही हम लोग के क्षेत्र में भी बज रहा था, फिर बाबा धाम में भी बज रहा था। दो लाइन उस गाने को गाइए। कि कैसे जलवा लाइए बाबा लूटल साहब हमार, कैसे जलवा लाइए बाबा लूटल साहब हमार, छीनिए लिहाली बेटक हमारा गंगा जी के धा, छीनिए लिहाली बेटक हमारा गंगा जी के धार। मतलब ये गाना आपको अपने क्षेत्र में फेमस ज्यादा कराया है इस गाने ने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजेश जी कि आप हमारे धुन म्यूजिक यूट्यूब चैनल के लिए इतना कीमती वक्त निकाल कर ढेर सारी बातें दर्शकों को अपनी ज़िंदगी से जुड़ी शेयर किए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते करते, और आप जिस उम्मीद के साथ धुन म्यूजिक स्टूडियो में आए हैं यहाँ पे इंटरव्यू के लिए, के वो आपका उम्मीद पूरा हो, और भगवान करे कि आप दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करें। हमारे धुन म्यूजिक यूट्यूब चैनल के पूरे यूनिट की तरफ से आपको एक बार दिल से धन्यवाद। थैंक यू सर।